गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी मकर संक्रांति। सो आज है 14th of January एंड दोपहर हो चुका है। एक्चुअली सुबह से कुछ करते करते लेट हो गया। एंड मैं थोड़ा सा आज आप लोगों के लिए अपने मायके का टूर भी मैंने मतलब जितना हो पाया मुझसे उतना मैंने ले लिया है, और इसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आदू भी आ गया, आ जाओ आजा। हाय गाइस, कम। सो मैंने मतलब सुबह में उठकर आदू को रेडी वगैरह करना, एंड आज त्योहार का दिन था तो आज मैंने इसको अच्छे से नहलाया भी एंड खुद भी रेडी हुई। बाकी सब चीज हो रहे थे तो अभी ये ब्लॉग मैंने सुबह से स्टार्ट किया था, बट आप लोगों के सामने अभी मैं आ रही हूँ। सो आप लोगों का मकर संक्रांति कैसा बीता, कैसा रहा, मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। हमारे यहाँ तो बस वही मॉर्निंग में दान पुण्य जो भी होता है वो हम लोग टच करते हैं, एंड जितना भी जिसका भी अपने हैसियत के अकॉर्डिंग सब लोग दान करते हैं, लाइक खाने का जितना भी राशन का सामान होता है, नमक तेल हल्दी एंड चावल, स्पेशली तिल के आइटम्स जो होते हैं वो होते हैं दान। एंड देन आफ्टर हम लोग सबसे पहले तिल के ही आइटम से मतलब स्टार्ट करते हैं कुछ भी खाना। सो अभी तक मैंने तो कुछ नहीं खाया है, बट बाकी लोगों ने खा लिया। मैंने सोचा कि आप लोगों से पहले बातें कर लूंगी, क्योंकि फिर ऐसे करते करते लेट हो जाता है, उसके बाद मैं भी जाऊंगी तो फिर खाऊंगी। दही चूड़ा खाया जाता है, और आज हम लोग के यहाँ पे खिचड़ी भी बोला जाता है इस मकर संक्रांति त्योहार को। खिचड़ी भी बन रहा है एंड मम्मी खिचड़ी बना रही है, भाभी चोखा बना रही है। मैं ना सुबह से दो बार नीचे जाकर आ चुकी हूँ। आदू यहाँ पर जैसे ही सुबह उठता है उसको चाहिए होता है कि बाहर घूमी, मीन्स कुछ नहीं करता है वो, बस नीचे जाता है थोड़ा धूप में इधर उधर भागा दौड़ी, और उसके बाद आता है तो उसको अच्छा लगता है। और बस तो उसके बाद नहा के भी उसको मैं लेकर गई थी नीचे, ठंड काफी है, और अभी इधर दो चार दिन अभी ठंड रहेगी, उसके बाद फिर नॉर्मल क्लाइमेट हो जाएगा। सो बस ऐसे ही है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर रांची में ठंडा ठंडा मौसम में सब लोगों के बीच में, फैमिली मेंबर्स के बीच में बहुत अच्छा लग रहा है। सो चलिए फिर अभी मैं आप लोगों को अपने घर का टूर दिखाती हूँ एंड बाकी कुछ चीजें दिखाती हूँ, और सुबह से क्या क्या हुआ है वो सब दिखाती हूँ आप लोगों को, और उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। तब तक मैं तिलकुट खा लेती हूँ, दही चूड़ा खा लेती हूँ अपना, उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से। ओके गाइज, सो ये है हमारे फ्लैट का मेन एंट्रेंस, जहाँ पे डोर हैंगिंग या तोरण जो भी बोलते हैं, और ऐसा सेम मैंने लिया है पता है वहाँ पे भी, पुणे में भी, और अभी मैं आकर यहाँ पर देख रही हूँ कि वही वाला यहाँ पर भी लगा हुआ है। और यहाँ पे देखिए साइड में ऐसे हैंगिंग वाले जो होते हैं वो मम्मा ने लगाए हुए हैं। सो ऐसा कुछ दिखता है हमारा प्यारा सा छोटा सा घर। एंड चलिए फिर आप लोगों को मैं अंदर लेकर चलती हूँ और अपना घर दिखाती हूँ, मायके का टूर दिखाती हूँ, और आदू भी साथ ही साथ मेरे रहेगा यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए। उसके बाद हम लोग एंट्री करते हैं यहाँ पर। सो भाई यहाँ पे बैठा हुआ है, सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, वो चाय पी रहा है। सो जस्ट यहाँ पे साइड में ना एक बेड लगा हुआ है, ये देखिए ये दीवान सेट है, एंड इधर से हमारा ये जो एरिया है ये लिविंग एरिया है। मम्मा वहाँ पे पूजा कर रही हैं, आज मकर संक्रांति है तो। और इधर आदू का नया नया साइकिल खरीदाया था तो वो रखा हुआ है, और आदू धमा चौकड़ी मचाए हुए हैं। एंड फिर इधर एक्चुअली अभी ये वाला जो एरिया है ना, ये सोफा वाला जो एरिया है, इधर इसलिए किया गया है क्योंकि आदू यहाँ पर खेलता है, इसलिए थोड़ा सा वहाँ पे सेंटर टेबल जो है वो उधर लग गया है, अदरवाइज सेंटर टेबल यहाँ रहता था, और ये वाला जो आप देख रहे हैं बेड वो उस साइड रहता था, बट आदू की वजह से उसको प्लेस मिले इसलिए इधर किया गया है शिफ्ट। एंड पे के सामने ये वाला जो है ये शोकेस है या टीवी यूनिट आप बोल सकते हैं। ऊपर से नीचे मैं आप लोगों को यहाँ का एक व्यू दे रही हूँ। सो ये हमारा एक टीवी यूनिट है, इसके बगल में इन्वर्टर रखा हुआ है, एंड यहाँ पे हीटर रखा हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है रांची में इस वजह से। एंड आपको एक एक करके मैं दिखाती हूँ शोकेस। सो ऊपर में तो कुछ ऐसे मम्मा ने रखा हुआ है, नीचे जो है ये डॉल जो है ये मेरे बचपन की डॉल है, ये टेडी बियर है, ये भी मेरे बचपन का टेडी बियर है, और नीचे आदू के कुछ टॉयज बस रखे हुए हैं। एंड इधर से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए ये मेरी शादी के पिक्स हैं। सो इसमें मम्मी है, मैं हूँ, आशु एंड मेरा भाई है। सो ये मेरी शादी के पिक हैं। एंड यहाँ पे भी एक हमारा ये वाला, हमारे घर पे भी आप लोगों ने देखा होगा ये वाला पिक। और यहाँ पे बगल में बस एक छोटा सा ये गणेश जी का मूर्ति रखा हुआ है। एंड ऊपर अगर जाते हैं यहाँ पर तो ये देखिए भैया भाभी के शादी के फोटोग्राफ है ये,
और एक्चुअली ये सब जो शो पीसेस आप देख रहे हैं ना, ये नीचे की तरफ रहता है, बट आदू की वजह से अभी ऊपर रख दिया गया, क्योंकि आदू ने ऑलरेडी इसको, ये वाला जो मिक्की माउस है ना, ये तोड़ दिया है। और ये सब भैया भाभी गए थे जब अपने हनीमून पे पेरिस वगैरह गए थे वो लोग, तो वहाँ से लेकर आए थे। ये FCB का है, एंड देन आफ्टर ये जो है डिज्नीलैंड का है। यहाँ पे लाफिंग बुद्धा है, और ये छोटा सा जो लाफिंग बुद्धा है ना, ये मेरी फ्रेंड ने स्कूल टाइम पे मुझे दिया था, ये अभी तक है। सो बस यही है। एंड यहाँ पे ऊपर एक चॉकलेट रखा हुआ आदू की वजह से, और इधर टीवी है। सो जो नीचे वाला एरिया है, या आप रैक बोल सकते हो, यहाँ पे भाई भैया का एक प्राइज मिला था, वो है। मैं अभी इसको शो नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं इसको बस ऐसे कवर कर दे रही हूँ, चल रहे बेटा। और यहाँ पे एक शो पीस है, जो कि ये बहुत पुराना शो पीस है, 10-12 उससे भी ज़्यादा पुराना होगा, मम्मी से मैं पूछ के आप लोगों को बताऊँगी। ये रखा हुआ है यहाँ पर, इधर मैं छुपा दे रही हूँ इसको। इधर मम्मा ने कुछ कुछ अपना शो पीस वगैरह रखा हुआ है, उनको भी डेकोरेशन का बहुत ज़्यादा शौक है, सो बस वो जहाँ जाती हैं कुछ ना कुछ ले लेती हैं। एंड इधर देखिए, ये गणपति जी का खुद से हैंडमेड की मम्मी की फ्रेंड है, उन्होंने बनाया है ये तुलसी जी, और ये वाला, एंड ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। ये भी देखिए कैंडल होल्डर ही है, और मम्मा को मतलब जहाँ भी जाती है वो इस टाइप का चीज़ ले लेती है, यूज़ करे मतलब यूज़ भी करती है, बट जनरली रखती ज़रूर है ऐसा। सो यहाँ पर ये है, एंड नीचे कुछ सामान रखा हुआ है, तो मैं ये सब ओपन नहीं कर रही हूँ। एंड इधर अगर देखते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को दिखाया, उधर फ्रेम्स रखे हुए हैं, एंड इधर शो पीस का कुछ सामान रखा हुआ है। सो आदू का यहाँ पे ये वो रखा हुआ है, अपना आयरन मैन जो लाया है, ये कुछ ब्यूटीफुल से फ्लावर्स हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये शो पीस है, ये फ्लावर्स रखे हुए हैं, इधर कैंडल स्टैंड है, एंड यहाँ पे आदू ने अपना कैमरा भी रख दिया है। सो मैं इसको अभी, आदू के जो टॉयज वगैरह हैं वो सब यहाँ पे रखे हुए हैं नीचे में, अदरवाइज मम्मी कुछ और रखती हैं। सो ये हो गया हमारा टीवी यूनिट। सो गाइज, ये जो ऊपर में आप देख रहे हैं टेडी बियर सब रखा हुआ है यहाँ पे शोकेस पे, सो ये जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में टेडी बियर है बड़ा वाला, तो बहुत मेमोरेबल है मेरे लिए, क्योंकि जब भैया का फर्स्ट जॉब लगा था तो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था ये वाला टेडी बियर। एंड बगल में जो टेडी बियर है वो भाभी को मैंने दिया था जब वो शायद शादी के पहले या शादी करके आई थी ऐसा कुछ, उनको भी सॉफ्ट टॉयज पसंद है। एंड वो डॉगी जो आप देख रहे हैं वो भी लेकर आई हैं वहाँ हैदराबाद से, क्योंकि आदू जब हैदराबाद गया था ना उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, वो बहुत खेला था उससे और अभी भी खेलता है उससे। एंड बस एक पापा की फोटो लगी हुई है वहाँ पे भी। और इधर अगर आप जो लिविंग एरिया से इस साइड आते हो तो डाइनिंग एरिया है, और डाइनिंग एरिया फिर वहीं पे पूजा घर भी हम लोगों का है। यहाँ पे इस तरीके से कर्टन्स मामा ने लगाए हुए हैं, क्रीमिश टाइप का कर्टन है ये, एंड मुझे ये कर्टन पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड हल्का सा नेट का क्वालिटी है इसका, और ऊपर में थोड़ा सा कुछ हैंगिंग वगैरह का जो शोपीस होता है ना वैसा मामा ने लगाया हुआ है। और ये 3 BHK अपार्टमेंट है, फ्लैट है। सो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं एक रूम है, ये गेस्ट रूम है, तो अभी बहुत मैसी हो रखा है। गेस्ट रूम आप बोल सकते हो या एक यूटिलिटी रूम बोल सकते हो। यहाँ से एक बालकनी भी दिया हुआ जहाँ पे कुछ कुछ स्टोरेज या फिर कपड़े वगैरह होते हैं। यहाँ पर खिड़की भी है और कबर्ड्स वगैरह बने हुए हैं यहाँ पर। सो कुछ कुछ चीज़ें जो घर में यूज़ होती हैं वो सब मम्मा यहाँ पे रखती हैं। एंड लगेज वगैरह अगर कोई आया या फिर ऐसे भी यहाँ पे रहता है तो हमारा भी सामान यहाँ पे रखा हुआ है, बेड पे कुछ कुछ सामान है। सो ये थोड़ा हमेशा ऑक्यूपाइड रहता है, या फिर कभी कभी कोई आ जाते हैं गेस्ट तो वो लोग यूज़ करते हैं इसको। एंड जस्ट हम लोग रूम से निकलेंगे तो यहाँ पर मंदिर है हमारा, एंड इस तरीके से मंदिर हमारा बना हुआ है। एंड मम्मी अलग अलग सब भगवान जी को रखे हुए, जैसे हम लोग सारे भगवान जी को मानते हैं। सो यहाँ पर दुर्गा जी, साई भगवान, एंड जैसे सबके घरों में पूजा घर में होता है वैसा ही है। एंड ये जो आप शिव जी की जो मूर्ति देख रहे हैं फोटो फ्रेम, ये बहुत ज़्यादा पुराना है, ये पापा ही लेकर आए थे देवघर जब गए थे वो तब। और यहाँ पे नीचे में मम्मा ने कुछ कुछ मूर्ति इस टाइप से लिए हैं, ये कृष्ण जी का भी मूर्ति मुझे पता है, मुझे याद है कि पापा विष्णु जी हैं तो ये भी पापा लेकर आए थे। तो बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी चीज़ें, उनको भी घूमने का काफ़ी शौक़ था, मुझे हल्का हल्का सा याद है, बहुत ज़्यादा तो नहीं याद है, मैं काफ़ी छोटी थी जब वो नहीं रहे। सो उस वहाँ, और
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा मम्मा ने पूजा किया हुआ है। सो आज मकर संक्रांति है तो हमारे यहाँ पे तिल वगैरह का पूजा होता है, उसके बाद ही हम तिल खाते हैं और इस टाइप से होता है। तो स्टार्टिंग में आपने देखा मम्मा पूजा कर ही रही थी। सो ये हमारा प्यारा सा मंदिर है एंड ये जो सूर्य वाला है ये भी बहुत पुराना है, ये भैया और पापा ही गए थे तो लेकर आए थे। और बस यही है, नीचे में ड्रॉर्स है जहाँ पे पूजा के सामान रखे हुए हैं एंड जस्ट उसके बगल में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे भी एक कैबिनेट टाइप का बोल सकते हैं वो बना हुआ है। तो नीचे में मम्मी यहाँ पे शोपीस के लिए कुछ कुछ रखी हुई है, हंसों का जोड़ा एंड कुछ, और यहाँ पे पापा का फ्रेम लगा हुआ है एंड ऊपर वाला जो एरिया है या रैक है बोल सकते हैं, यहाँ पे दादा और दादी जी की मेरे फोटो लगी हुई हैं। सो बस यही है एंड इस तरफ अगर आप आते हैं आगे की तरफ तो एक कबर्ड बना हुआ जिसमें नॉर्मल सामान ऐसे ही रखा रहता है कुछ कुछ चीज़ें। सो ये वाला जो ये एक कॉमन वॉशरूम है यहाँ पे एंड जस्ट उसके बगल में आप देख रहे हैं ये रूम है, ये भैया भाभी का रूम है। सो यहाँ पे भी कबर्ड बने हुए हैं एंड नॉर्मल जैसे बेडरूम होते हैं मिडिल क्लास फैमिली के वैसे है ये। एंड बस यहीं से हम लोगों का वॉशिंग एरिया भी है। सो बस यही है एंड यहाँ से अगर आप देखते हैं तो वही अब मैं ना आज अभी नहाई भी नहीं हूँ। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बोला कि मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था बट मैंने घर में आज मैं सबसे लेट आज रेडी हुई हूँ क्योंकि आज आदू को भी नहलाना वगैरह था तो बाकी सब कुछ करके उसके बाद मैं नहाई हूँ और उसके बाद फर्स्टली पहले आप लोगों से मिल लिया और उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर कर रही हूँ मैं आज। सो क्योंकि आप लोग में से कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि अपने घर का टूर दिखाना, मायके जा रही हो तो मायके का टूर दिखाने के लिए। सो यहाँ पे भी जैसे कबूतर बहुत गड्ढा कर देते थे तो मम्मा ने यहाँ पे जाली वगैरह लगवा दिया है। ये देखिए वाइट वाइट कबूतर, मुझे मतलब कबूतर बहुत पसंद है बट डर भी लगता है। सो यहाँ पर बस ऐसे ही है ये वाला एरिया और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं तो हमारा डाइनिंग एरिया आ जाता है जैसा कि पहले भी आपने देखा और आदू मेरे पीछे पीछे पूरा लगा हुआ था जैसे मैं शूट कर रही थी। सो फिर भी मैंने बोला कि नहीं अभी कर लेती हूँ, फिर मौका नहीं मिलेगा आगे जा करके क्योंकि आप लोगों के साथ और भी चीज़ें मुझे शेयर करनी है। सो यहाँ पे और ये जो ट्रंक है ये भी मामा का बहुत पुराना ट्रंक रखा हुआ है, उसमें अपना कुछ कुछ सामान होता है ना चादर वगैरह वो सब रखती हैं। ये मम्मी का किचन है एंड यहीं पर बेसिन एरिया भी है। सो अभी बहुत मेसी मेसी हो रखा है क्योंकि सामान सब बहुत ज़्यादा, जैसे आदू का भी कुछ कुछ सामान मैंने रखा हुआ डाइनिंग टेबल पे। और ये शोकेस है यहाँ पर, आप यहाँ पे मम्मा अपना कुछ जो भी क्रॉकरी वाले आइटम्स होते हैं या खाने पीने के जो भी होते हैं ना ग्रॉसरी आइटम्स वो सब अपना स्टोर करके यहाँ पर रखती है मम्मा। एंड जस्ट उसके बगल में जो ये रूम है यहाँ पर अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये रूम को। सो ये मम्मा का रूम है एंड यहाँ पर ना ये भी बालकनी दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पे हम लोग कब्जा सब आए लाइक हमारा लगेज भी रखा हुआ है ये एंड बस ठंडी का टाइम है तो ब्लैंकेट्स एंड ऑल, बस नॉर्मल सा ऐसे रूम है हम लोगों का, छोटा सा प्यारा सा घर है। बहुत ही एक बोलते हैं ना मेहनत, कड़ी मेहनत एंड प्यार से बनाया गया है, होप आप लोगों को अच्छा लगे। यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल है एंड जस्ट बगल में एक छोटा सा टीवी भी रखा हुआ है जो कि मतलब मोस्टली बंद ही रहता है, हीटर हमने रख दिया यहाँ पर बहुत ज़्यादा भी एंड हमारे लिए भी तो अच्छा ही है, अच्छा लगता है ठंड ठंड में मौसम, बट बच्चों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है एंड आदू को अभी बिल्कुल भी यूज टू नहीं है वो। और ये देखिए मेरे पीछे पीछे आते आते उसको ना बालकनी वगैरह बाहर, बच्चों को तो वैसे भी पसंद आता है। सो यहाँ पे एक एरिया जहाँ पे कपड़े वगैरह हम लोग सुखाते हैं एंड उसके बाद देखिए सुबह सुबह का टाइम हो रहा था तो स्टार्टिंग मैंने यहीं से लिया था। सो अभी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि ये जब हम लोग संक्रांति का दिन होता है ना मकर संक्रांति का, तो नहा धो के हम लोग दान जो करते हैं वो यहाँ पे इस तरीके से हर आदमी जितने भी फैमिली मेम्बर से अलग अलग सबका रखा रहता है, तो ये सबसे पहले मम्मी का रखा हुआ है, फिर इसी टाइप से मेरा रखा रहेगा, भाभी का रखा रहेगा, भैया का रखा, तो जितने भी फैमिली मेम्बर्स है इसको हम लोग टच करते हैं नमक हल्दी और सारा कुछ तिल वगैरह, और इसको हम लोग फिर अपना दान करने में डाल देते हैं। तो इस तरीके से मम्मा ने सुबह सुबह सजा दिया था इसको और फिर जैसे जैसे जो जो नहाते गया जो जो रेडी होते गया उसको छू करके एंड फिर दान के लिए डाल दिया गया था। ये अपार्ट फ्रॉम दिस और भी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, सो वो सारी चीज़ें थी। सो बस यही है एंड आगे आप लोगों को दिखाती हूँ कि मम्मा और क्या कर रही है मेरी। खाना बना रही है मकर संक्रांति के दिन, क्या बना रही है मम्मी?
हेलो कर दो सबको, हेलो। तो मम्मी से आप लोग अभी नहीं मिले थे, तो ये है मेरी मॉमी। सो आज क्या बना रही हो? आज मकर संक्रांति है तो आज खिचड़ी बनता है। खिचड़ी बन रहा, खिचड़ी के लिए सब्जी फ्राई हो रहा है। खिचड़ी के लिए सब्जी फ्राई हो रहा है। हाँ, तो आलू गोभी मटर, आलू गोभी मटर का सब्जी बना रही है मम्मी, और दिन में बनेगा हम लोग अगर खिचड़ी। तो मम्मी का ये किचन है और मम्मी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी टेस्टी खाना बनाती है। और ये देखिए मटर जो है वो हमेशा छील कर ये वाले प्लास्टिक में मम्मी का रहता है फ्रिज में, और जब भी सब्जी बनाना होता है फटाक से सब्जी बन जाता है। भाभी इधर देखो, भाभी मकर संक्रांति, भाभी भी रेडी हो गई है। सो यहाँ पर भाभी रेडी हो गई थी, तो फिर वो भी वैसे ही करके फोल्ड करके अपना सारा कुछ ये सब जो दान का है वो सब टच करके रख देंगी। एंड देन आफ्टर एक के बाद एक मम्मा तो कर ही दी थी, भाभी भी कर दी थी, और उसके बाद मैं, भैया और मैं बच गए थे। तो हम लोग भी किया था। यहाँ पे आलू भी कर रहा है मम्मी, उसको लेकर आई हैं यहाँ पे। उसको वो सब बोलते हैं ना कि छुआना, तो उसको छुआने के लिए। एंड यहाँ पर देखिए मैं रेडी हो गई थी, तो उसके बाद अब मेरा टर्न हो रहा था दही चूड़ा खाने का, जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को बताया था कि आप लोग सारा क्लिप्स देखिए, होम टूर देखिए, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ दही चूड़ा खा के। तो मैं वही निकाल रही थी अपने लिए। सो चूड़े को अच्छे से भिगो करके एंड देन आफ्टर उसमें दही लगाया मैंने एंड गुड़ साथ में, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ऐसे भी हम लोग एज अ ब्रेकफास्ट खा सकते हैं इसको, बहुत हैवी भी हो जाता है एंड हेल्दी भी है और प्लस यमी भी लगता है। तो ये है आज का मेरा ब्रेकफास्ट। आदू जो है वो मम्मा के साथ गया हुआ है नीचे, उसको भी मैंने थोड़ा सा दही चूड़ा खिलाया है एंड अपना फ्रूट वगैरह लेकर, और वो गया है थोड़ा धूप में। यहाँ पे धूप नीचे बहुत अच्छी आती है, आप लोगों ने पिछले वीडियोस में भी देखे होंगे। सो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने गया, उसको बहुत मज़ा आता है नीचे। एंड आज मम्मी की छुट्टी भी है इसीलिए खाना वगैरह हो गया है, बन गया है, मतलब हम लोगों ने नहीं खाया है। सो आज लंच में खिचड़ी चटनी चोखा ये सब बना हुआ है, जो कि हर साल 14th ऑफ जनवरी को यही बनता है हम लोगों के घर पे। सो यही है बस। एंड भैया भाभी कुछ अपना काम कर रहे हैं, मैं आई हूँ किचन में। मैं भी अभी जाऊँगी थोड़ा सा नीचे और धूप लूँगी, आदू के साथ खेलूँगी, मम्मा लोग के साथ टाइम स्पेंड करूँगी, फिर आती हूँ एंड लंच वगैरह करके फिर आदू को भी सुलाऊँगी एंड देन आफ्टर फिर देखते हैं क्या होता है। और अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो है ब्लॉग्स को रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के सामने लेकर आऊँ, एंड बस यही है। और पता है क्या, आप लोगों से एक बात भी करनी थी, लाइक 1st January को आप लोगों ने देखा जो पिछला मेरा ब्लॉग गया था, तो 31st की रात तक मैंने ब्लॉगिंग की थी, और उसके बाद मैंने बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बनाया। मतलब 1st January से लेकर 13th of January, आज तो बना रही हूँ बट 13th of January हुआ क्या था कि 1st January को ना आदू का थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया था। लाइक सुबह जैसे दूध पीता है तो दूध पिया और उसके बाद वॉमिट कर दिया पूरा दूध। उसके बाद फिर डॉक्टर के पास हम लोग गए थे उसी दिन शाम को, तो उन्होंने बोला थोड़ी सी ठंड लग गई है इसको, तो 2-3 दिन उन्होंने मेडिसिन वगैरह दिए, तो फिर 2-3 दिन के बाद वो ठीक हो गया। एंड देन आफ्टर थोड़े से उसको ना बॉडी में हल्के हल्के दाने टाइप के थे। सो मैंने क्या किया था कि ठंड की वजह से, जैसे सब लोग बोलते हैं सरसों तेल लगाने के लिए, तो उसमें मैंने थोड़ा सा पका कर लहसुन वगैरह किया था। सो उसको ये सब चीज़ सूट नहीं करता है, हर बच्चा अलग होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ, जैसे मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आप आदू को क्या खिलाते हो, क्या देते हो, क्या आप उसको क्रीम लगाते हो, उसका टाइमिंग क्या है खाने का, तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे का हर चीज़ का टाइम अलग होता है। किसी बच्चे को कुछ चीज़ सूट करता है, वही बच्चा वही चीज़ दूसरे को सूट ना करे, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और जैसे बहुत बच्चे अगर जैसे ठंड के मौसम में ना ये सारी चीज़ें जैसे सरसों तेल में लहसुन और अजवाइन वगैरह डालकर लगाने से उनको सूट करता है, बट आदू को बिल्कुल भी नहीं करता है। तो थोड़े से रैशेज वगैरह आ गए थे, तो थोड़ी सी मैं वरीड हो गई थी एज अ मॉम ऑब्वियसली होंगी, बट धीरे धीरे फिर मैंने उसको प्रॉपर रूटीन में जो उसका नहाना है, देन आफ्टर एंजल स्किन में लगाती हूँ शुरू से ही, और मैं उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। वो बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड कर सकती हूँ वो चीज़, कि ठंड के मौसम में या गर्मी के मौसम में भी
बच्चों को एंजल स्किन लगाई, मतलब फेस से लेके पूरा टो तक मैं उसको वही क्रीम लगाती हूँ और वही उसको सूट भी करता है। तो फिर मैंने वापस से फिर वही चीज करना शुरू किया एंड ऑयलिंग वगैरह सब अभी बंद कर दिया उसको। सो ऑयल में मैं बस कोकोनट ऑयल या फिर बेबी ऑयल वो सब चीज लगाती हूँ उसको, तो वही सूट करता है उसको। सो अभी वो ठीक है, थोड़ा सा टचवुड अपने एनवायरमेंट में यहाँ पर सेट कर गया, तो अब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है। जैसे मैं पहले भी बोला था ना कि जब उसको कुछ होता है तो मेरा किसी भी चीज में मन ही नहीं लगता है, मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, बस लगता है कि बस किसी तरीके से वो ठीक हो जाए। थोड़ा सा मुझे ये चीज का है, थोड़ा लगने लगता है, बट फिर ठीक है, काम भी करना है एंड बाकी चीजें भी संभालनी है, तो यही। सो बस मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं ये चीजें, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि अब मेरे जो ब्लॉग्स है वो रेगुलर बेसिस पे आएंगे, फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। तो ऐसे कि आप लोग मेरे फ्रेंड्स हो तो ये जाना जरूरी था कि मैं न्यू ईयर पे क्यों नहीं ब्लॉग्स बना पा रही थी, बट होपफुली सब कुछ अच्छे से रहे, आगे भी अच्छा रहे और मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आप लोगों के लिए लेकर रहा हूँ। सो चलिए अब मैं चलती हूँ नीचे, देखते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं और फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। हाय कर दो सबको। तो ये है रानी बुआ। हाय। मम्मी से तो आप मिल चुके हैं और अभी शाम का टाइम हो रहा है, 6 बज रहे हैं, सब लोग यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं, है ना बेटा? देखो मम्मी पूरी तरह से नानी घर का पूरा मजा ले रहा है आदू। हेलो सो गाइज, अभी बज गए रात के 9 और बस शाम को सब लोग आए हुए थे घर पे, बुआ एक आई थी एंड कज़न, सो वो लोगों के साथ बात हो रही थी एंड देन आफ्टर आदू को मैंने सुला दिया था। अभी जस्ट वो मतलब 8:30 के अराउंड उठा है, तो आज तो मतलब बहुत लेट से सोने वाला है वो। बट ये है कि भैया भाभी एक लोग के साथ खेलेगा, मम्मा के साथ खेलेगा और मैं भी बीच बीच में उसके साथ खेलूंगी और साथ ही साथ एडिट कर लूँगी वीडियो। सो आज का दिन भी ऐसा ही बीता, बट अच्छा लग रहा है सब फैमिली के साथ रह के, किसको नहीं अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगता है। और थोड़ा बाहर मतलब इतने लोगों से मिलकर आदू को भी बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, वो सबके साथ एंजॉय करता है। बट यही है, थोड़ा सा उसका ना रूटीन इधर उधर हो जाता है कभी कभी, बट इट्स ओके, कभी कभी तो चलता भी है। बट अभी 2 घंटे का वो नैप ले लिया है तो ही इज़ फ्रेश। कम है आदू, और उसको रिम्मी मेरी एक कज़न है वो उसको बहुत अच्छी लगती है, तो एनी टाइम रिम्मी मौसी करते रहता है। अभी भी उसी को खोज रहा है, उसी के साथ खेल रहा है वो, उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है वो। सो बस यही सब है और चलिए ये ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो एंड अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा एंड ऑल्सो टू सब्सक्राइब माई चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। सो सी यू सून, सी यू इन अनदर ब्लॉग, टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय, बी हैप्पी एवरीबॉडी एंड वंस अगेन हैप्पी मकर संक्रांति, बाय।